वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल दिस हितेश यार। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिस्ट्री कलेक्शन पेशेंट ऑफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे पेशेंट का, जिसके अंदर की नेम, एज, सेक्स, एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और डायग्नोसिस लिख लेंगे हम। डायग्नोसिस के बाद में हम प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट लिखेंगे पेशेंट की। प्रेजेंट चीफ कंप्लेंट के बाद में हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिख लेंगे। हिस्ट्री के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेजेंट इलनेस लिख लेंगे हम। इसके बाद में ट्रीटमेंट हिस्ट्री लिख लेंगे अगर कोई है तो। फिर हम पास्ट साइकाट्रिक एंड मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की। पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, जिसके अंदर की पेरेंटल हिस्ट्री लिखेंगे सबसे पहले। एंटरनेटल पीरियड कैसा था, इंटरनेटल पीरियड कैसा था, बर्थ किस प्रकार का था, नॉर्मल डिलीवरी थी या एबनॉर्मल थी। इसके बाद में बर्थ डिफेक्ट वगैरह में तो नहीं था कोई सा। पोस्टनेटल पीरियड कैसा था, कॉम्प्लिकेशन वगैरह तो नहीं आई थी इस पीरियड के अंदर कोई सी। इसके बाद चाइल्डहुड हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की, भाई प्राइमरी केयर गिवर कौन था, फीडिंग किस प्रकार की थी, एज ऑफ वीनिंग क्या है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन कैसे थे, बिहेवियर एंड इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं थी कोई सी, इलनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड तो नहीं थी कोई सीवियर। एजुकेशन हिस्ट्री लिखेंगे फिर हम, एज ऑफ बिगनिंग ऑफ फॉर्मल एजुकेशन क्या थी, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसा था, रिलेशनशिप विद द पीयर एंड द टीचर्स कैसा था, स्कूल फोबिया वगैरह तो नहीं था। इसके बाद प्लेस लिखेंगे पेशेंट की हम, किस प्रकार का गेम खेलता था, रिलेशनशिप कैसा था प्लेयर्स के साथ में, जो भी साथ में बच्चे उसके साथ खेलते थे। इमोशनल प्रॉब्लम ड्यूरिंग एडोलसेंट इसके बारे में लिखेंगे हम। स्मोकिंग, ड्रग, बैड हैबिट वगैरह तो नहीं थी कुछ, स्पेसिफिक इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं थी कुछ। फिर हम प्यूबर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, भाई जो भी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अकर होते हैं सेकेंडरी, वो कितने साल की एज में अकर अपीयर हुए थे पेशेंट के अंदर, उनसे रिलेटेड एनजाइटी वगैरह तो नहीं थी। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखेंगे हम। ऑक्यूपेशन के बाद में सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट की। जीनोग्राम बना लेंगे जिसके अंदर। इसके बाद प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी लिखेंगे पेशेंट की, भाई आईपीआर कैसा था, फैमिली एंड सोशल रिलेशन कैसे हैं, यूजुअल स्ट्रेस रिएक्शन कैसा है, प्रीडोमिनेंट मूड कैसा है पेशेंट का। लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी लिख लेंगे, भाई हमने जो भी फॉर्मेट वगैरह लिया है तो किस बुक का रेफरेंस लिया है, किस बुक को देख के हमने जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लिखी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को हिट कर दें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगा। धन्यवाद।